कराची खुशहाल होगा, कराची के आवाम खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी। कराची 80% रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को चलाने के लिए देता है, लेकिन कराची को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ना सिर्फ तबाह कर दिया गया बल्कि इस पर राह के एजेंडों का कब्जा करवाया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए पाक सर जमीन पार्टी और अनीस कैम खानी मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिलकर 6 अप्रैल 2017 को एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज आइन कानून और जमहूरी तकाजों के ना सिर्फ मुताबिक होगा बल्कि इसमें ना सड़कें बंद की जाएंगी, ना कोई ट्रांसपोर्ट बंद होगी, ना पेट्रोल पंप बंद होंगे, ना कोई गाड़ी चलाई जाएगी, ना टायर चलाए जाएंगे, ना ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई मुश्किल पैदा की जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ कराची के अवाम और पाकिस्तान भर के अवाम के मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया जाएगा और अमन एहतजाज किया जाएगा, और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के कराची के अवाम के मसाइल हल नहीं हो जाते। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद।